धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को इस लाइव कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करें। इस प्रत्येक दिन के लाइव कार्यक्रम हम जानते हैं योग के विभिन्न आयामों के द्वारा हम प्रस्तुत कैसे रहें। योग के विभिन्न आयाम, योग के विभिन्न चरण और योग के विभिन्न चरणों से कैसे हमारा आरोग्य हमें प्राप्त हो, कैसे हम गंभीर रोगों से बचे रहें। व्यायाम योगासन और प्राणायाम, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें गंभीर रोगों से बचा के रखती हैं। हमारी दिनचर्या की आदतें बहुत सारी ऐसी हैं जो यदि हम सुधार लें तो हम गंभीर रोगों से बच सकते हैं, हम मानसिक व्याधियों से बच सकते हैं, हम शारीरिक व्याधियों से बच सकते हैं, हम तनाव से बच सकते हैं, हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, हम डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तनाव हटाने के उपाय और तनाव से बचने के उपाय, आप सोचो कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है। तनाव हटाने के उपाय हम करें कि तनाव से बचने के उपाय करें, तो तनाव से बचने के उपाय ही हमें जानने चाहिए और वो सबसे बढ़िया तरीका योग करना। तनाव से बचने के उपाय। नमस्ते जी, सुप्रभात। सरोज जी वर्मा, आपको आपके वैवाहिक वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। आप इसी प्रकार से प्रसन्न रहें और आपका जीवन इसी प्रकार से समृद्ध, सुखद और आनंदित रहे। आप इसी प्रकार से और भी कितनी, कौन सी वर्षगांठ हो गई जी ये बता दो। ऋतु जी, राकेश जी, नमस्ते जी, ओम। आपका किसी का भी जन्मदिन और आपका यदि कोई वर्षगांठ हो तो आप बता दिया करें। इस पूरे चैनल की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित करेंगे। सरोज जी, कौन सी वर्षगांठ हो गई? तो हम यौगिक उपाय जान रहे हैं। यौगिक उपाय में सबसे बढ़िया उपाय है हमारा योग का प्राणायाम करना, आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करना। तो आज हम कुछ विशेष आसन जानेंगे रोज किए जाए, जो हमारे पेट को, हमारी स्पाइन को और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारे प्रजनन संस्थान को अच्छा रखें। ऐसे कौन से उपाय हैं, तो उन उपायों को आज हम योगासन और प्राणायाम आदि के द्वारा जानेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम रोज डेली की हेल्थ कैसे अचीव करें, कैसे गेन करें डेली हेल्थ। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से अपने आज के अभ्यास से शुरू करते हैं। श्वास भर के ऊपर और श्वास भर के हाथ नीचे। गौतम जी, भारती जी, ऋतु जी, सरोज जी, आप सबका इस लाइव कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत करते हैं। श्वास भर के हाथों को ऊपर ले आए और श्वास छोड़ करके हाथों को नीचे, ऐसे साइड से ऐसे चलते जाए। क्रियाएं ऐसी कौन सी हैं, 12 आसन ऐसे कौन से हैं जिनको हम रोज करके प्रसन्न और आनंदित और स्वस्थ, निरोगी, बलवान बने रह सकते हैं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, श्वास भर के ऐसे कंधों को कोने को पीछे ले जाए और श्वास से वापस आ जाए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए,
व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना। गर्दन के सूक्ष्म श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, गांव पर सभी लगे जन्म भूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। लगातार श्वास अंदर और हाथों को ऐसे बैठे हुए खींच रहे हैं, खड़े खड़े जब हम आसन करते हैं तो हम बैठे बैठे भी इसी प्रकार से ताड़ासन करके अपने आलस्य और प्रमाद को दूर भगा, ऐसे हाथों को खोले ऊपर खींच कर रखें और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ताड़ासन का अभ्यास, बैठे बैठे ताड़ासन, बैठे बैठे ताड़ासन, पूरे हाथ आप देखिए हमारे कैसे दिख रहे हैं, पूरी तरह से हाथ आपको इंटरलॉक किए हुए ऊपर की ओर खींचते हुए दिख रहे हैं, और हाथों को फिर ऐसे खोल ले, में लगातार ऊपर खींचे, शरीर सीधा हो, सामने की तरफ तनाव आओ और खींचते जा रहे लगातार, श्वास बाहर छोड़ते छोड़ते वापस आ गए। एक अभ्यास विशेष देख रहे हैं, देखो ऑक्सीजन से हम ओतप्रोत हो जाएं, श्वास पूरा भरे अंदर, ऑक्सीजन हमारी नस नाड़ियों में सब जगह जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो वो शुद्ध नहीं हो पाएगा, और शुद्ध रक्त शरीर में प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक स्थान पर पहुंचना आवश्यक है। श्वास बाहर वापस लिया है, शुद्ध रक्त, रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी, रक्त की आभा यानी कि हीमोग्लोबिन, रक्ताभवर्धन यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाना, हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाया जाए, श्वास पूरा अंदर ऐसे आगे तक ले जाए, खिंचाव अनुभव करें भुजाओं में, श्वास पूरा छोड़ते हुए वापस आए। तो हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हम क्या ऐसा करें जिससे कुछ दिनों में ही हमारा हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाए। बैठे बैठे कुछ आसन, फिर लेटे लेटे कुछ क्रियाएं, कुछ आसन। तो बैठे बैठे जो आसन किए जाए उनमें सबसे पहला यदि हम कुछ अभ्यास करें तो उस अभ्यास का नाम है वक्रासन, या पेट को, आपकी कमर को, इन सबको सही करेगा। स्पाइन जिसकी लचीली होती है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से जीवन जी सकता है। एक दायां पैर ऐसे मोड़ दिया और बाएं हाथ को ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे अंदर से ऐसे कोहनी से आपने लॉक किया, श्वास पूरा बाहर, श्वास बाहर और पीछे ऐसे घुमा दिया, ये आसन सभी कर सकते हैं। इसमें रुकना है, तुरंत वापस नहीं आना, इससे भी मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ता है, अच्छा हो जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, फिर से एक बार कर रहे हैं, तुरंत नहीं आना, थोड़ी थोड़ी देर रुको,
और ज्यादा देर रुको। श्वास बाहर ही है, इसी में इस पैर को मोड़ करके आप इसको दूसरी तरफ रख दें, दूसरी तरफ भी ये टकराता हुआ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल दूसरी रख दिया, पास में रखा और इस वाले को आप मोड़ दिया, हमको पास कर लिया। विपरीत वाला, जैसे आप वक्रासन में उठाते थे, राइट नी ऊपर है तो लेफ्ट हैंड का ही लॉक लगाएंगे और ऐसे पूरी तरह से ऐसे दबा दिया। श्वास बाहर, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। अभी हम किया था वक्रासन, अभी हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येन्द्रासन। ये भी पेट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कंधों के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है, करने का आसन है, इसमें काफी देर रुकना चाहिए, तुरंत तो वापस नहीं आना चाहिए। श्वास भरते भी वापस आ जाए। दूसरी तरफ से भी इसको आपने क्रॉस लगाया, इसको आपने अंदर समेट लिया, श्वास बाहर। पूरी तरह इंच कर रखा, ये डायबिटीज वालों के लिए बड़ी क्रिया है। सभी दर्शकों का लाइव अभ्यास जारी है, हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में काफी सारे दर्शक, इसी में जो है आप इसको पूर्ण मत्स्येन्द्र आसन के रूप में भी ऐसे कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन में यहाँ आता रहता था, पूर्ण में पूरा ऐसे घूम जाता, ऐसे दूसरी तरफ से भी, अर्ध में यहाँ रहता था और पूर्ण में पूरा ऐसे कस के पीछे ऐसे घूम जाते थे। फिर इसी प्रकार से आसन और है, वो भी डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा उपयोगी आसन है, जिसको हम कहते हैं गोमुखासन। आज तक की कक्षा में हमने दिखाया सिखाया नहीं आपको, आज आपको सिखा देते। इसको सरलता से ऐसे किया जा सकता है, ऐसे हम बैठे वज्रासन में, वज्रासन में बैठने के बाद एक पैर पर आप बैठ गए और दूसरे पैर को ऐसे बाहर निकाल लें और इसको इसके ऊपर ले गए, उस पैर पर ही बैठे रहे हैं, उस एडी पर बैठ गए, इस घुटने के ऊपर ये घुटना, इस पैर को अंदर दबाएं, घुटने से घुटना दबाएं और ये ऊपर है तो इसी हाथ को ऊपर लाएं, लेफ्ट वाला नी ऊपर है तो लेफ्ट वाले ही हाथ को ऊपर लाएंगे और राइट वाले पीछे, और ले जा करके आप दोनों हाथों को ऐसे टच करें, टच करते 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 आपकी उंगलियां पकड़ में आने लगेंगी, जब उंगलियां पकड़ में आने लगेंगी तो, और सामने दृष्टि उंगलियां पकड़ में आने लगेंगी तो आपका गोमुखासन सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया, लग गया गोमुखासन, लग गया। ऐसे दूसरी तरफ से भी आप करें, फिर से वज्रासन में आ गए, बाएं पैर पर बैठ गए, अभी दाएं को बाहर निकाला और ऐसे इसके ऊपर लगा दिया। योग जो है ना आत्मा से होता है, शरीर तो साधन मात्र है। अष्टांग योग हमें करना चाहिए, अष्टांग योग का अभ्यास भी, हठ योग की तो क्या, शरीर शुद्ध करने के लिए ऐसे पकड़ में आ जाता है। ये गोमुखासन, इसको अब से भी दिखा देते हैं और
साइड से और पीछे से भी दिखा देते हैं। पहले तो यूं दूर दूर रहता है, फिर यूं टच हो जाता है, और टच होते होते धीरे धीरे यूं पकड़ में आने लगता है, और पूरे पकड़ में आता है। गर्दन सीधी रखते हैं, कोहनी ऐसे पास में रखते हैं, और सामने दृष्टि होती है। ऐसे पीछे से भी देख लेते हैं, इसी आसन को पीछे से देखें। श्वासें सामान्य रहें, इसमें श्वासों का भी एक नियम होता है, लेकिन पहले आप पोस्चर बनाना सीख जाएं, फिर श्वासों के नियम पर कभी बात की जाए। ये हमने गोमुखासन का अभ्यास, कई बार दिक्कत आती है कई सारे लोगों से कि पैर पर नहीं बैठ पाते, तो इस पैर को कैसे बाहर निकाल लें, जमीन पर बैठ जाएं, फिर करें, फिर हो जाएगा। गोमुखासन दो तीन आसन हमने भी जाने, वक्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन और तीसरा गोमुखासन, चौथा हम योग मुद्रासन जानते हैं। योग मुद्रासन वज्रासन में भी बैठ करके हो जाता है, वज्रासन मंडूकासन की तरह से हो जाता है, योग मुद्रासन ऐसे पद्मासन में भी होता है, पद्मासन में मुख्य रूप से ऐसे होता है योग मुद्रासन। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांध लेते हैं, ये एड़ियां ना ये नाभि के दोनों साइड में लगेंगी, पूरा अच्छे ढंग से पता लगा दिया, एड़ियां नाभि के दोनों तरफ लगनी चाहिए। श्वास पूरा बाहर, थोड़ी जमीन से सामने दृष्टि, योग मुद्रासन दोनों एड़ियों से हम पेट को दबाएं, श्वास प्रतिवी वापस आ जाए, फिर दूसरे हाथ से पकड़ते हैं, श्वास बाहर, पतंजलि योग दर्शन में एक सिद्धांत देते हैं, क्या देते हैं वो है ईश्वर जीव और प्रकृति का। संसार में तीन ही पदार्थ होते हैं, अनादि और अनंत, परमात्मा की व्यवस्था से संसार चलता है। दूसरी जीवात्मा जो प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है, और तीसरी प्रकृति जो ये मैटर है जिससे ये दिखने वाला और न दिखने वाला संसार बना हुआ है, सुनाई देने और सुनाई न देने वाला संसार बना हुआ है, विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड, ये सारा किसी से बना हुआ और चल बना हुआ है, तो वो सारा प्रकृति नामक तत्व है जिससे हमारा शरीर भी बना हुआ है। लोग ऐसे भी होते संसार में ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, तो कुछ पंक्तियां हैं हमें ईश्वर की सत्ता को मनाती हैं। श्वास भरते हुए भस्त्री का प्राणायाम करें, गहरे लंबे श्वासों को भरते हुए, गहरे ही लंबे प्रश्वासों को बाहर छोड़ते हुए, ध्यान मुद्रा लगा कर हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है, युग बीत गए और बीतेंगे कुछ परिवर्तन नहीं आया है, हर वस्तु बंधी है
नियमों में गहरे विश्वास भर देना छोड़ देते हैं। भस्त्रिका को रोकना नहीं, आप सबको शायद विदित होगा कि तीसरी लहर ने भारत में दस्तक दे दी है। मैं आपको डराने के लिए सुबह के कार्यक्रम में बता नहीं रहा, लेकिन 500 बच्चे पूरे पिछले 6 महीने में लबे से ग्रस्त हो चुके हैं, किसी का कोई अंग खराब हो चुका है। 500 बच्चे में 8 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए अपने बच्चों को बचा के संभाल के रखें। अभी जैसे अनलॉक खुला है ना, तो आप लोग लापरवाह नहीं होना, लापरवाह हो जाएंगे, बाहर घूमेंगे, पिकनिक करेंगे, पार्टियां करेंगे, बहुत सारे घूमने के और मिलने के गेट टुगेदर के कार्यक्रम करेंगे, पता नहीं कौन सा किससे कौन सा रोग ले आएंगे। अब तो एक वायरस भी नहीं है, बहुत सारे रोग गए, फंगस के नाम से भी आ गया, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, किस किस से बचेंगे और अपने बच्चों को मासूमों को कैसे बचाएंगे? तो आप सावधान होने की आवश्यकता है। प्राणायाम कराएं बच्चों को, लगातार प्राणायाम कराएं, कंटिन्यू भस्त्रिका प्राणायाम कराएं, लगातार भस्त्रिका का अभ्यास कराएं, गहरे लंबे श्वास आप खुद भी करें, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, भस्त्रिका का नियमित अभ्यास करेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, रक्त में आभा बढ़ जाएगी, रक्ताभ वर्धन है करता है ये। ऐसे तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत सारे तत्व होते हैं, कुछ अन्न होता है, चुकंदर होता है, गाजर होता है, मल्टीग्रेन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो जूसेस के रूप में पिए जाते हैं, टमाटर का भी मस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती, तो उनको लेने से हमारा जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड माल्टा, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो रेड ब्लड माल्टा भी एक फल है, उसको भी लेना चाहिए। गहरे लंबे श्वास, हर वस्तु बंधी है, भस्त्रिका करते रहे, हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है, युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, उगता है सूरज प्राची में, नित पश्चिम से में छिप जाता है, दिन रात का चक्र चले कैसे, ऋतुओं ने असर दिखाया है, हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है, युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, आकाश में देख नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को, किस भांति टिके किस में अटके, कोई भेद समझ ना पाया है, हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है, युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, हर जाति की आकृति भिन्न बनी, आवाज विभिन्न बनाई है, हर जाति मतलब मनुष्य एक जाति, गधा एक जाति, गाय एक जाति, घोड़ा एक जाति, हर जाति की आकृति भिन्न बनी, आवाज विभिन्न बनाई है भेद सभी की सूरत में, वैज्ञानिक भी चकराया है भेद सभी की सूरत में, वैज्ञानिक भी चकराया है, हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है, युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, इतने पर भी कुछ लोग कहें
संसार यूं ही बन जाता है, करता बिन कार्य नहीं होता, यह वेदों में बतलाया है। करता बिन कार्य नहीं होता, यह वेदों में बतलाया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने यह नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में। ईश्वर की जो सत्ता को स्वीकार नहीं करता ना, उन सब के लिए ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। वो यदि इन बातों को सुन लेगा ना, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार भी करेगा, और नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अपना नुकसान खुद का करेगा। अब हम बैठे बैठे कि हमने कुछ आसन किए, अब हम एक बैठने का आसन वज्रासन में जो किया जाता है, वज्रासन की खड़ी अवस्था में उसको कर रहे हैं, जो सबके लिए आवश्यक है, हर्निया वालों के लिए वर्जित है। चक्कर जिनको आ रहे हैं ज़्यादा, वे लोग भी इसको ना करें तो ज़्यादा ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर वाले सभी लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन हर्निया वालों के लिए बिल्कुल मना ही है। तो इसमें ऐसे उठ कर के घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं और थोड़ा सा फासला पैरों में, और उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रख लेते हैं एक दूसरे की भुजाओं पर, श्वास पूरा भरते हैं और पीछे जाते हैं। थोड़ी देर रुकना चाहिए। जिनको चक्कर आते हैं वे लोग आंखें बंद ना करें, और जिनको चक्कर नहीं आते हैं वे लोग आंखें बंद कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आंखें खुले में रखें। इसमें घुटनों में थोड़ा और फासला रखेंगे तो और अच्छे ढंग से हो जाएगा। श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर वापस आ जाए। अर्धोष्ट्रासन, श्वास पूरा भरे। इस सब हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। श्वास बाहर वापस, फिर श्वास भरें। पूर्ण उष्ट्रासन, श्वास छोड़ देंगे वापस आकर। फिर एक बार कर रहे हैं, श्वास अंदर भरें, इस आसन के बाद आपको शशक आसन करना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर हाथ नीचे। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास भरते छोड़ते रहें। इसको कुछ लोग ऐसे भी किया करते हैं, इसमें कोहनियाँ भी ज़मीन से लगा देते हैं, लेकिन ऐसे करें अच्छे ढंग से खिंचाव आएगा। रिलैक्सेशन वाला आसन ज़रूर है, लेकिन आपका सिर लग जाएगा ज़मीन से,
एड़ियां नितंबों को छूती हुई हूं। श्वास भरते हुए वापस उठाए, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ले आए। ऐसे ही आपको लेट करके कुछ अभ्यास करने, वो अभ्यास कौन कौन से हैं, लंग्स को अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सभी करें, कौन कौन से अभ्यास हैं वो, जिसमें कोई वर्जनाएं नहीं हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कौन कौन से हैं। पहला है भुजंगासन, श्वास पूरा भर के उठाया जाता है, नाभि तक के भाग को उठाया, पीछे खींचा हुआ शरीर और पूरा मोड़ करके श्वास अंदर है और आकाश में दृष्टि है, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, स्लोली स्लोली डाउन वापस, फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, फिर से एक बार ये भुजंगासन का अभ्यास। ऑक्सीजन लेवल के लिए धनुरासन, हर्निया वालों को ये नहीं करना है, धनुरासन जो अब हम करने जा रहे हैं वो उनको नहीं करना है जिनके हर्निया की प्रॉब्लम है। श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर से श्वास भरें, यथा सामर्थ्य, इसको अधिक समय तक आपको रोकना भी चाहिए, पहले तो यथा सामर्थ्य, फिर सामर्थ्य से हट करके थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा देर भी रोकें इसको ऐसे, फिर विश्राम, फिर इतना करने पर थकान होने लगेगी, फिर बालासन में आराम कर रहे, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास भरते छोड़ते हुए, ऐसे दूसरी ओर भी ऐसे ही विश्राम कर रहे, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, शलभासन, श्वास पूरा भरते हुए, कमर दर्द वालों को, स्लिप डिस्क वालों को, बैक पेन वालों को, सबको करने चाहिए। श्वास पूरा भरें, पैर को ऊपर खींचें, थोड़ी देर वहीं टिकाएं, थोड़ी जमीन से मन कमर पर टिका हुआ, श्वास अंदर, जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी, ऐसे तेज भी कर सकते हैं, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, दोनों एक साथ, कार्य वचन
निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना, ओ जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। गोल गोल घुमाए लंबे लंबे श्वास के साथ। गोल गोल चलाएं, लंबे श्वास के साथ में चलें। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे विपरीत दिशा में। योग जुगत से करना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी। जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं वो ऐसे गोल गोल घुमाया करें, पचास पचास पर जोड़ों के कमजोर होने के कारण से दुखते हैं। सुबह उठ करके सिंपल सा कोई सा भी तेल आप जरूर लगाया करें अपने घुटनों में। फिर दूसरा अभ्यास इसी में, दोनों को एक साथ। कोशिश करें दोनों कोहनियां बिल्कुल पास पास में। जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, आ निर्भय चारों कोट विचरना। दूसरी ओर से, निर्भय चारों कोट विचरना, जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना। मकर आसन में आराम करें, पैरों में फासला, पंजे बाहर एड़ियां अंदर, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। आप चाहे थोड़ी रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे रख सकते हैं, माता रख सकते हैं। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना, हो जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना, हो जोगी जुग जुगत से करना। भुजंगासन और धनुरासन, और फिर हमने किया भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन और मकर आसन। ये चार आसन आपको पेट के बल आवश्यक रूप से रोज करने हैं। भुजंग, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन और मकरासन, ये चार आसन हमने पेट के बल की। अब हम कर रहे हैं पीठ के बल करने वाले आसन। आपको कहा था आज 12 तारीख है, 12 अभ्यास बताएंगे। चार बैठे हुए बताएं, चार पेट के बल बताएं और चार आपको पीठ के बल बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिस उत्तान पाद आसन। इसको पवन मुक्तासन को भी ऐसे कर सकते हैं। आप पहले पवन मुक्तासन करवा देते हैं, आज रोज आपको उत्तान पादासन से शुरू कराते हैं। तो पवन मुक्तासन से ऐसे करते हैं शुरू, ऐसे लगा दिया और दूसरे वाले पैर को उठा करके इसको यूं चला रहे हैं, एक पाद वृत्तासन की तरह। पवन मुक्त होती है, भीतर पेट में बहुत सारी वायु भरी होती है, श्वास बाहर है, और हम चाहे तो यूं करके उठा सकते हैं गर्दन को, और नहीं तो आप आराम से रहें, लेटें और पूरा गोल घुमाएं दूसरे पैर को। पवन मुक्तासन का आधुनिक अभ्यास, विपरीत दिशा से
पवन मुक्तासन का आधुनिक अभ्यास है। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार उसमें स्थिरता वाला है और इसमें एक पाद वृत्तासन के साथ में ऐसे हठ योग के जब हम देखते हैं अलग अलग आसनों के क्रम को तो उसमें अलग है। श्वास पूरा बाहर ऐसे लगाते हैं छाती से इस घुटने को और दूसरे पैर को ऐसे चलाते हैं। ये सभी कर सकते हैं, किसी के ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता हो, सब कर सकते हैं। विपरीत दिशा से चलें गोल गोल ऐसे ही। सर्वांग आसन के विपरीत करनी आदि में भी हम इस मुद्रा को लगा सकते हैं ऐसे, इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं। कुछ लोगों को तो स्टेबल ही नहीं हो पाता, ऊपर उठा ही नहीं पाते हैं कुछ लोग तो ऐसे। अब उठाने में अब उनको लगता है कि हाँ स्थिति अच्छी बन रही है तो फिर उनको ऐसे चलाना चाहिए। कितना आसानी से चल जाता है जब टिक जाता है तो। और जब इनका और अच्छा किसी का अभ्यास हो जाए तो फिर वो ऐसे स्थिरता से पद्मासन में लगा देते हैं। सर्वांग पद्मासन या पद्म सर्वांग आसन। धीरे धीरे वापस आ जाए, स्लोली स्लोली वापस आना। ये आपको तीन क्रियाएं एक साथ बता दी। सर्वांग आसन साधारण, उसमें पवन वो साइकिलिंग, उसमें पद्म सर्वांग आसन पद्मासन लगा दें। दूसरा आसन जान रहे हैं जिसको हम कहते हैं उत्तान पाद आसन। तो उत्तान पाद आसन को करने के लिए हम पहले अपने मैट पर बिल्कुल सीधे लेट जाए। चित्त लेटना मतलब पीठ के बल लेटना होता है। ऐसे आपको हाथों को ठीक कमर के पास में रखना है, फिर श्वास पूरा बाहर। अब श्वास पूरा भरेंगे अंदर और अंदर रोक लेंगे, पैरों को ऐसे उठा लेंगे 30 to 45 degrees, 30 से 45 डिग्री तक, कुछ एक सवा एक फुट तक लगभग, और रोक करके रखना है अंदर। श्वास अंदर रुकी रहे, पैर ऊपर टिके रहे, घुटनों को सीधा रखना है, पंजों को खींच कर रखना है। धीरे धीरे थकान होने पर श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं। आपके पेट को हमेशा के लिए अच्छा बना देगा उत्तान पाद आसन। श्वास फिर से भरे, फिर से उठाए। हल्दी में दूध पी रहे हैं बहुत सारे लोग, साल साल भर हो गया, गर्मी इतनी बढ़ गई कि उनके नक्सीर आने लग गए जो कभी ही नहीं आई जीवन में। काढ़ा पी रहे हैं, गर्मी इतनी बढ़ गई नक्सीर आने लग गई, लेकिन योग नहीं कर रहे। योग करें एक घंटा, रेडीमेड उपायों से ठीक होने का कोशिश ना करें। काढ़ा अपनी जगह है, हल्दी का दूध अपनी जगह है, लेकिन आप सावधानी से उनका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में उनके निर्देशन में नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। प्रकृति की सारी चीज़ें लाभप्रद हैं, लेकिन किसके ऊपर कितनी है, किस समय में लेनी है वो हमें पता नहीं होगा, तो हम उनसे नुकसान भी उठा सकते हैं। उत्तान पाद आसन ये सबसे बढ़िया मैं इसको मानता हूँ पेट के लिए। इसका रोज अभ्यास करना चाहिए नाभिधरण के लिए। अभी हमने दो आसन देख लिए, तीसरे आसन की तरफ चल रहे कंधरासन। श्वास पूरा भरें और ऐसे कमर को ऊपर उठाएं, लगातार ऊपर उठाते उठाते उठाते
एड़ियां जमीन से रखें, कोहनी भी जमीन से, उठाते 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 पूरा ऊपर उठा लेंगे और वहीं रोक देंगे। जिनके कब्ज की समस्या रहती है वे लोग श्वास बाहर फेंके और पेट को अंदर दबाएं। श्वास सामान्य करते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। इसको ऐसे पकड़ के लॉक करके भी रखें तो ऐसे हो जाएगा। इसमें भी दूसरी क्रिया है सेतु बंद आसन के रूप में। ऐसे यहाँ पर आपने सपोर्ट लगाया हाथों का, धीरे धीरे पैर सीधे कर लें। सेतु बंद आसन ये कमर के लिए सबसे बढ़िया आसन बता रहा हूँ। अभी इससे पहले दो आसन थे वो पेट के लिए थे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्पाइन बहुत अच्छी बनी रहती है, कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है इन आसनों को करने से। वापस आएंगे धीरे धीरे, रिलैक्स। ये तीन आसन हमने जाने, पहला पवन मुक्त आसन, सर्वांगासन आदि, पवन मुक्तासन। दूसरा उत्तान पाद आसन, तीसरा कंधरासन और सेतु बंधासन का सेट, और चौथे में चलते हैं जो है एक पाद वृत्तासन। ये तो आपको रोज करने हैं, हथेलियाँ दूर रखें, और कुछ लोग क्या नीचे रख लेते हैं, नहीं गलत है, यहाँ रखें। लंबे लंबे श्वास के साथ बड़ा शून्य, जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं। जोगी जोग जुगत से करना, योगी बनो पवित्र चरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। साइकिलिंग इसी में लंबे लंबे श्वास, यदि आप इतना श्वास के साथ में करेंगे तो आपका प्राणायाम भी अच्छा हो जाएगा। लंबे पूरा आगे तक पूरा पीछे तक, साइकिलिंग द्विचक्री का आसन, इसी में आप दोनों पैरों से करें। हमारे तीन चार बार नहीं करना, आप ज़्यादा बार करना। पेट की समस्या वालों को, घुटनों की समस्या वालों को, गैस एसिडिटी वालों को, सबको ज़्यादा ज़्यादा बार करना है। कमर दर्द में दो तीन आसन नहीं करे जाते हैं जिनमें आपको ज़्यादा कष्ट महसूस हो, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कमर दर्द वाले जरूर करने, मरकटासन आदि, कंधरासन वगैरह, ये सब कमर दर्द में आवश्यक रूप से करने चाहिए। फिर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए शव आसन में, शव आसन में आराम, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ में शरीर को ढीला छोड़ देवें। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और फिर धीरे से अपने आसन में आकर बैठ जाएं। ये इतना अभ्यास यदि आप कर लेंगे ना तो प्राणायाम भी साथ में होता रहेगा। नमस्ते जी, जया जी, विजय जी, रामनानी, पुष्पा जी शर्मा, आप सबको सादर नमस्ते। इस योग स्वास्थ्य की पूरी टीम के द्वारा और पूरी तरह से हम इस कार्यक्रम में लाइव प्रत्येक दिन आपको दिखाई देते हैं, और इस लाइव कार्यक्रम में आपका सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। योग से कैसे हम आरोग्य पाएं, इस कार्यक्रम में हमारा प्रत्येक दिन यही डिस्कशन चलता है, और रोज़ हम ऐसी यौगिक क्रियाओं को जानते हैं, जान रहे हैं, रोज़ जानते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। वर्तमान का जो संकट काल है, कोरोना का, फंगस का, इम्यूनिटी कम, और भी बहुत सारे, ये सब कैसे दूर हो सकते हैं, तो योग करने से दूर हो सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, एक नासिका से गहरा भरें, दूसरे से बाहर छोड़ देंगे, फिर दूसरे से गहरा भरे, फिर पहले वाले से बाहर छोड़ देंगे।
ऐसे करना चाहिए, और रोज सूर्य की धूप में थोड़ी देर बैठे, और चाहे तो आप सूर्य की धूप में बैठ करके थोड़ी देर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी नहीं मिल रहा लोगों को। विटामिन डी बहुत आवश्यक है, विटामिन डी सबके लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। इसकी कमी हो जाएगी तो फिर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी के लिए आप धूप को सेवन पूरा करें, लगातार करते रहें। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, अनुलोम विलोम करते रहें। तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, चेहरे पर प्रसन्नता रखें, अनुलोम विलोम करते रहें। सदा दिन रात चलती है मशीने कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीने कौन सी अंदर। लगातार आंखें बंद करके भजन के साथ में करते रहें। सदा दिन रात चलती है मशीने कौन सी अंदर, मशीने कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूँ में न चावल में, अनुलोम विलोम करते रहे। न गेहूँ में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, न सब्जी में न दालों में। बदन में खून बनता है, शरीर में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने, आंखें बंद करके अनुलोम विलोम करते रहें, भजन को सुनते भी रहें। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की। 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ इस पूरे शरीर में हमारे व्याप्त हैं। प्राणायाम से वे सारी शुद्ध परिशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए कहा करोड़ों नाड़ियाँ इसमें नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज़ आएगी। सभी भजन के साथ एक्यूप्रेशर। प्रभु के कारखाने की, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर,
करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, प्रभु के कारखाने की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। बहुत सारे प्राणायाम, बहुत आसन, दो तीन प्राणायाम और बहुत सारे हमने आसन, और 12 तारीख के हिसाब से लगभग 12 क्रियाएं, 12 से भी अधिक क्रियाएं हमने जानी वैसे, लेकिन 12 क्रियाएं तो कम से कम आपको प्रत्येक दिन करनी चाहिए। तो कल के कार्यक्रम में हम फिर से बहुत कुछ नया, जो हमें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने का काम करता है, योग, यज्ञ, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा और दिनचर्या, ये सब चीज़ें कल के कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी दर्शकों का साधुवाद, धन्यवाद, आभार, और इसी प्रकार से आप इस योग करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी दिनचर्या, अपने बालों, अपने त्वचा, अपने लंग्स, अपने पेट, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपने घुटनों, अभी अपने सारे अंग प्रत्यंगों और पूरे शरीर का ध्यान रखें। और वो ध्यान रखने के लिए आपको नेचर की शरण में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। तो सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें, करो योग, रहो निरोग, रोज करेंगे योग, प्रत्येक दिन रहेंगे निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, जय अजमेर, निरोगी अजमेर, ऐसे नारों के साथ में प्रत्येक दिन हमें योग करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों का आभार, चैनल स्वामी चैनल का भी बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम।